आंखों देख रही है जो कोरोना काल में शांतिपूर्ण रूप से अपना दिल्ली के बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन किसानों का गुस्सा आज फिर एक बार सरकार के खिलाफ भड़क उठा है। तस्वीरें सोनीपत के एमपी और केजीपी नेशनल हाईवे की है, जहां किसानों ने 2 घंटे के लिए जाम लगाया। क्या है पूरा मामला, या प्रदर्शन कर रहे इन किसानों की जुबानी की सुन लीजिए। कहां पर जाम लगाया, क्यों लगाया, क्या कारण था? सर, हिसार में खट्टर सरकार का कोई था जिस चीज़ का उद्घाटन था आज कुछ, तो वहाँ पे उद्घाटन जब ये करने गए थे तो उद्घाटन करना था उन्होंने, वहाँ पे 500 बंदे की परमिशन इनकी सरकार के लिए, जो कोरोना है, कोरोना के नाम पे हमें तो कहते हैं कि हर जगह 50 या 4 बंदे नहीं खड़े हो सकते, कोरोना फैलता है। इनके जहाँ पे उद्घाटन करने हैं, जहाँ यहाँ पे चुनाव होती हैं, जहाँ बंगाल में रैलियाँ करनी थी, वहाँ पे तो कोरोना है नहीं था। वहाँ पे जब यहाँ पे किसान जाते हैं वहाँ पे इनका कोरोना फैलता है। और सेकंड कि जब हमारे किसानों ने उस चीज़ का विरोध करना चाहा कि हम खट्टर को यहाँ पे उद्घाटन नहीं करने देंगे, क्योंकि जो रूल किसानों के लिए है वही रूल बीजेपी सरकार के और दूसरी सरकारों के लिए है, इसीलिए हमारे जो चुडुनी साहब है उन्होंने मतलब हमें ऑर्डर दिया है कि क्या सारे रोड जाम करो। और उन दिल्ली जो हमें नियर था केएमपी रोड था, तो हम सब ने रल के बहन भाइयों ने यहाँ पे केएमपी रोड को जाम किया। कितने घंटे जाम रहेगा? 2 घंटे जाम रहेगा। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजगिला, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। था जो केएमपी केजीपी को आपने जाम किया? देखो जी, आज हिसार में हमारे वो जो किसान भाइयों को पकड़ा हुआ है तो वो उसके विरोध में कराया है, तो कल को अभी इस 11 बजे से लेके सारा दिन मतलब कि जितने ठाणे हैं सारे हरियाणा के उसको घराव किया जाएगा और हमारे भाइयों को छोड़ा जाए, इस तरह की दरकिनार ना करें। हमारी तो सरकार से अपील है जितना 3 हमारे कानून है जो रद्द करें, हम नहीं तो हम तो अपना काम करने बैठी हैं, हम क्यों बाहर आते निकलते हैं, ना निकले अपना बैठे अंदर, अंदर बैठ के काम करें। एक बने तो बोलते कोरोना है तो दूसरे बने अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ना करें, ये हमको जान के छेड़ते हैं। हम अपना शांति से काम कर रहे हैं, हमको जान के छेड़ते हैं, इस तरह हम अपना जो घराव तेज करेंगे। आज भी हम अभी भी हमने केम पी 2 घंटे के लिए जाम किया है। क्या नाम आपका? गुरप्रीत सिंह जी। तो आज केम पी केजीपी को जाम किया है? देखिए, आज हरियाणा में बड़ी ही दुख की घटना हुई है, किसान अपना शांतिपूर्वक किसान में रोष प्रकट कर रहे थे, जब एक तरफ तो सरकार कह रही है कोरोना कोरोना है, दूसरी तरफ अपने प्रोग्राम रख रही है, किसान नहीं इकट्ठा होते हैं तो कोरोना फैल जाता है, सरकार जब प्रोग्राम करती है कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोरोना का बहाना बना के ये किसानों का आंदोलन दबाना चाहती है सरकार, लेकिन किसान अब रुकने वाला नहीं है। आज आपने देखा जैसे ही किसानों पर आंसू गैस चले हैं और जो रबड़ वाली गोलियां चली है उसके हम बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ऐसे किसानों के साथ नहीं होना चाहिए था। जो सरकार ने किया उसका भी किसान बदला लेके छोड़ेंगे, और जब तक ये 3 काले कानून नहीं होंगे चाहे हमारी कितनी लाशें बिछ जाए हम पिछड़ने वाले नहीं। क्या नाम आपका? मैं छत्रपाल सिंह, जिला करनाल, उप प्रधान। मैं भारतीय किसान यूनियन डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर जी, डीला यमुनगर जी। क्या कारण था जो आज केएमपी केजीपी को बंद करना पड़ा? देखिए, आज जो हमारे मोहनलाल खट्टर हैं जो सीएम है हरियाणा के, आज उनकी बहुत सभी किसान इसकी निंदा कर रहे हैं। जो हिसार में आज लाठीचार्ज हुआ है वो बहुत बहुत गंदी बात है, बहुत हरकत ही उसने अच्छी हरकत की है, जो किसानों को बोलता है अच्छी हरकतें, अच्छी हरकतें अपने आप कर रहे हैं। जो आज हिसार में प्रोग्राम था, आज हॉस्पिटल को उद्घाटन करने आ रहा था, और वो एक तरफ से कहते हैं कि कोरोना कोरोना कोरोना, जब पता लगा वहाँ पर हॉस्पिटल में 500 से ज़्यादा किस लोग जड़े हुए हैं, सभा थी 500 से ज़्यादा वहाँ पर लोग बैठे थे, जब तो कोरोना नहीं था, जब किसान आंदोलन पर बैठे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको बदनाम किया जाता है, अभी किसान की तरफ से कोरोना बढ़ गया। जो किसान घर जाता है, अपने घर में जाता है, वहाँ पर गांव में जाता है, वहाँ पर कोरोना फैल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेशनल खंड है। सीएम साहब और खट्टर साहब जी और जो हमारे दुष्यंत चौटाला है, मेरी बात सुन ले ध्यान से, किसानों को हल्के में ना ले, अगर किसान अपनी पे आ गया ना आपका घर से निकलना दुब्बर हो जाएगा। जैसे पंजाब में एक MLA का प्रोग्राम बढ़िया तरीके से प्रोग्राम किया था, नंगा करके भेजा था, आप तो पछताओगे मेरे साथ हुआ क्या है, वहां तो कपड़े उतारे थे, आपके साथ तो पता नहीं क्या होगा, मान जाए अभी भी टाइम है, काले कानून वापिस ले ले, किसान को अपने घर जाने दे। आप तो कहते हैं सबसे गद्दार ये बीजेपी का सबसे गद्दार है दुष्यंत चौटाला, जो बीजेपी के खिलाफ किसानों से वोट ली, जनता से वोट ली, वही
आज बीजेपी के गोदी में जाके बैठ गया। क्या तबार करें दुष्यंत चौटाला और उसके परिवार, जो चौटाला परिवार है वो उस पर तो विश्वास करना भी चाहिए। आज किसानों की आंखें खुल गई हैं, जहां भी दुष्यंत चौटाला और बीजेपी का प्रोग्राम होगा वहां पर पूरे डट के विरोध करेंगे। हमारे जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुजर है यमुनानगर के, उन्होंने बयान दिया था जो कोरोना है वो किसानों के आंदोलन की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन लें, कोई कोरोना नहीं है, ये इंटरनेशनल पखंड है। इंटरनेशनल पखंड के नाम पर जो 5G की टेस्टिंग चल रही है उससे किसानों की मौत हो रही है। जो हार्ट जो उसकी किरणें छूटते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं वो हार्ट पे, जिसका हार्ट वीक होता है या किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर कट जाता है, उसकी वजह से जो आज मौतें हो रही हैं। कोरोना से कोई मौत नहीं है, आज तक गवाह है, इतिहास गवाह है, आज तक कोरोना से यहाँ हमारे दो आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली में, आज तक एक भी किसान की मौत नहीं हुई है। दरअसल किसानों का कहना है कि एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर कोरोना का नाम लेकर प्रदेश में लॉकडाउन लगाते हैं, कहते हैं किसानों के प्रदर्शन के चलते प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री खुद अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। किसानों ने सरकार से सवाल किया है कि क्या किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से कोरोना फैलाया है, तो सरकार की मुखिया की कार्यक्रम से कोरोना नहीं फैल रहा। आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोविड सेंटर का उद्घाटन किया, लेकिन हिसार में उनके कार्यक्रम के दौरान किसानों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ और पुलिस कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर लाठियाबाजी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यही नहीं, कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद से एक बार फिर किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क गया है और किसानों ने KMP और KGP को जाम कर दिया। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।